राधे राधे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए कच्चे आलू से बनी बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे आज हम क्रिस्पी नाश्ता तैयार करेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। इसे आप गेस्ट आ रहे हो या छोटी मोटी पार्टी हो उसमें बना सकते हैं। यह आपके बच्चों को फास्ट फूड खाना पसंद हो या आपको भी, तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप सब शौकीन हैं तो आप हमारी रेसिपी को देखकर जरूर बनाइएगा। और अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज बताऊंगी कैसे मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी रेसिपी देखने के लिए। रंजना गुप्ता के पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने वीडियो को शुरू कर लिया है, तो आप लोग अपने कमेंट में जवाब देते जाइएगा आप कहाँ कहाँ से, कौन सी सिटी से जुड़ रहे हैं। तो हमें बाद में आपका नाम पता रहता है तो, और सिटी का, तो हमें भी अच्छा लगता है और जिससे कि हम आपको थैंक्स कह सकें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पे हमने कच्चे आलू लिए थे, कच्चे आलू अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसे तैयारी करनी है। जब तक इधर हमारे ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने कच्चे आलू को धो के अच्छे से रख लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी जुड़ी हैं। और अभी तो यहाँ मैंने कच्चा आलू लिया था, कच्चे आलू को धो के आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने 3-4 पानी में धोकर रख लिया था। अब इसे हमें एक काटने का मैं तरीका बता रही हूँ मैंने कैसे काट के तैयार करा था। तो यहाँ पे तो यहाँ मैंने आलू को ले लिया है और आप चाहें तो इसे मशीन से भी काट सकते हैं और नहीं तो सिंपल इस तरीके से काटना है आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ। और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और एक ही चीज बताऊंगी कि रेस्टोरेंट में कैसे बनते हैं, हलवाई कैसे बनाते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा तरीका होता है तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगी सारे। और आप कैसे इसे क्रिस्पी मजेदार नाश्ते को तैयार कर सकते हैं, तो आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी आप बताते जाइएगा जैसे मैंने आपको कहा। तो यहाँ हमने इस तरह से काट लेना है और उसको बाद एक बार धो लीजिएगा जितना इसमें इसे धो के तैयार करना है। हमारे इसमें सोना जी जुड़ी है, राधे राधे। और दोस्तों अगर आप पेज हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ आलू को तैयार करके रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने धोकर एक छन्नी में रख लिया था, आप चाहें तो इसे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं पर मैंने यहाँ पे छन्नी में रखा हुआ है। और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से करा था वो निकलना आप देख रहे होंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैं पोंछ लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बीच बीच में मैं आपको ये भी दिखाती जाती हूँ जो मैंने आपको शुरू में डाला था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से फ्राई होने हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी तेल का यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कौन सा तेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से ये फ्राई भी होते जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और एक एक चीज आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है बाजार जैसा लुक देने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कर लिया है और फिर क्या करना है, अगर आप चाहें तो इस कपड़े से इस तरह से पोंछ के डाल सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस हल्का सा इस तरह से आपको कपड़े में अच्छे से पोंछ लेना है जिससे कि जितना पानी होता है हल्का सा निकल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है बस थोड़ा सा ही करना है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट में कॉर्न स्टार्च लिया है। आप कॉर्नफ्लोर, अरारोट कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो दोस्तों उसको आप ले सकते हैं। तो आज गैस बताइए मुझे मैं क्या बना रही हूँ, चलिए जल्दी से, मैं फिंगर आलू से नहीं बना रही हूँ, मुझे गैस करके बताइए सोना। अच्छा आप धौलपुर से हैं, अच्छा सोना जी राजस्थान से, थैंक यू सोना जी। और रेखा गुप्ता जी का गाजियाबाद से है, उनका तो याद हो गया पर धीरे धीरे ही मुझे नाम याद होता है। तो अपने कमेंट करते जाएंगे जब ही हमें पता लगेगा, जैसे आकाश जी रोली से हैं इनका भी हमें याद है
और अभी नहीं आए हैं तो आप अपने कमेंट देते हैं शिपिका, तो अच्छा लगता है कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो आलू पोछे थे इस तरह से मैं आप देख रहे होंगे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप 2 से 3 आलू में पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, हम 2-3 आलू से ही पूरी फैमिली का बन जाता है। बाजार में जाते हैं तो आप सबको पता है बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल रखा था और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे। तो यहाँ मैं एक डिब्बे में करके हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ इस तरह से डालेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और हल्का हल्के हाथों से। हलवाई लोग क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाला है तो आप क्या करेंगे, अरारोट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे वो कलर भी डालते हैं, आपको पता होगा वहां पे यहाँ ऑरेंज कलर का मिक्स करते हैं। तो आज मैं बिना कलर का बना रही हूँ, घर में बनाते हैं तो हम बिना कलर के खास बना के खा सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कलर हमारी सेहत के लिए नुकसान करता है। डालने को हम आपको कलर डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालूंगी, जिससे कि आपको भी ना डालें। मेरे हिसाब से तो अगर आप बाजार में खाते हैं तो घर में बना के खाइए, कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों। घर की बनी चीजें आप सबको पता है बहुत ही बढ़िया और शुद्ध होती है। तो इस तरह से हमें मिक्स करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और जितना बस चिपक जाए उतना ही चिपकाना है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लपेटना है, क्योंकि वो कलर डालते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से करते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा लेयर चिपक जाती है। तो यहाँ पे हमने जैसे धो के पोछ के कराए तो वो इस तरह से हल्की हल्की रहती है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड सुमित्र जी ने नाइस टेंटिंग लिख रही है, थैंक यू। हमारे से नीलोफर जी जुड़ी हैं, हाय लिख रही हैं, थैंक यू। तो अभी किस शशि जी, शुक्ला जी भी जुड़ चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया है। करने के बाद में मैं आपको बताती हूँ, आप एक छन्नी ले लीजिएगा, और इसमें जैसे मैंने आटा छन्नी दिखा रही हूँ, किसी के पास बड़ी छन्नियाँ नहीं होती है, नहीं तो छन्नियाँ हर तरह की होती है। तो मैं आपको सिर्फ जो जबके पास घर में आटा छन्नी होती है मैं वही तरीका बता रही हूँ, क्योंकि और छन्नी हो ना हो आटा छन्नी सबके पास होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको छान लेना है। आप देखेंगे एक्स्ट्रा जितना भी होता है ये झड़ जाता है, तो हमें नहीं चाहिए। और आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने कर लिया है, बस हमें इतना ही चाहिए। तो बस अब चलिए, अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, फिर तो मैं इसको आपको डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रिस्पी से पेटर तो बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे जब तक मैंने आपको बताया इधर ये तैयार हो गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ। और आगे की अभी हमें बहुत सी तैयारी करनी है। हमारे संग श्याम जी जुड़े हैं, तो यहाँ मैंने इसको देख रहे होंगे कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हुए, इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ मैंने इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लिया है। अब चलिए, और जो हमने आपके सामने तैयार करे थे उन्हें डाल देती हूँ, और साइड में हम और काम की तैयारी फटाफट से करेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ और साइड पे साइड ये भी दिखाती जाऊंगी। तो मैं इसको डाल रही हूँ आपके सामने, और मैं गैस को चेंज करती हूँ और आगे बता के हमें कैसे ऐसी तैयारी करनी है। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ और फिर इसको मिक्स करूंगी। अभी जब तक मैं कढ़ाई पहले चेंज कर लेती हूँ फटाफट से, तो यहाँ और बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूंगी। और अब यहाँ पे हमने दूसरा पैन रख लिया है, मंजू जुड़ी है रेखा जी ने वेरी नाइस लिखा है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन इस तरह से रख लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमारे संग अंकित जी भी आए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है जैसे आप देख रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा चलाना नहीं होता है, तो बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे और अपने आप से फ्राई हो जाता है। इन्हें 5 या 6 मिनट लगते हैं क्रिस्पी होने पे। तो यहाँ पे आप बस 3 आलू से बना सकते हैं पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारा लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो में आपको पता है हमें 2-2 बैच दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे आकाश जी ने भी कहा है बहुत ही बढ़िया है, लिखा हुआ है कुछ है। तो अब मैं चलिए, अब मैं आपको आगे का पार्ट बताती हूँ। इधर हम बीच बीच में ये भी दिखाते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने कागज पे सबके नाम लिखे हुए हैं जो हमारे संग
और टाइम मिला तो मैं उन जो हमारे संग कल की या परसों की रेसिपी में सबने हमारे संग जुड़े थे मैं उन सबका भी नाम पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं कागज पे लिख के रख लेती हूँ जो उन्हें मैं थैंक यू कह सकूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हमारी तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्च ली है जैसे कि आप देख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन का यूज कर सकते हैं, मैं लहसुन नहीं डालती हूँ आपको पता ही है, तो यहाँ लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है जो आप खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, तो यहाँ मैं एक बार को भी गैस बंद कर रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ली थी, शिमला मिर्च आपको किस तरीके से काटी है वो भी मैं आपको तरीका दिखा दे रही हूँ साइड में कि आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ पे प्याज खाना चाहते हैं तो प्याज का भी यूज कर सकते हैं और बिना प्याज के भी बना सकते हैं, तो मैं बिना प्याज का बनाऊंगी आज, बिना प्याज लहसुन के, और जो प्याज खाना चाहते हैं तो वो प्याज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च ली है, मैं आपको शिमला मिर्च काटने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम काटते हैं तो हमें आप देख रहे होंगे इस तरह से ये पार्ट निकल जाता है और शिमला मिर्च हमारी बहुत ही बढ़िया बनके कट के तैयार होती है। तो यहाँ हमें बारीक बारीक सा इस तरह से काट लेना है जैसे आप देख रहे हैं, और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और बीच में से इसे दो पार्ट कर लेंगे, आप व्हाइट वाला पार्ट हटा सकते हैं। तो बस यहाँ पे आधी शिमला मिर्च बहुत रहती है, अगर आपको ज्यादा खाना है तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ मैं थोड़ी सी डालूंगी। और यहाँ पे जैसे मैंने लहसुन और प्याज नहीं डाली है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है आपके सामने ही, तो थोड़ा सा वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप इस तरह से काट सकते हैं। चलिए तो यहाँ मैं गैस की तरफ आ गई हूँ और मैंने गैस को स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ प्याज लहसुन डाल सकते हैं, उसके बाद में शिमला मिर्च डालनी है, और बहुत से इसमें टमाटर भी डालते हैं दोस्तों, टमाटर वो आपकी इच्छा है आप डालें नहीं डालें, तो मैं यहाँ टमाटर का यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऐसे ही आपको सामने दिखा रही हूँ, सिंपल तरीका बताऊंगी, बहुत ज्यादा काम धाम नहीं बता रही हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे और इसको डाल के हमें हल्का सा सॉटे करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको, और इधर आप देख सकते हैं इधर हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक साथ बारीक बारीक से इस तरह से काटे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। हमारे संग सरिता जी, नीलम जी, अनीता जी, पांडे जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं कौन कौन घर में बना के खाता है, बाजार में तो सभी खाते हैं दोस्तों, चीजें वही पुरानी होती हैं, पर हमें हर रोज आप सबको पता है कि सब चीजें पुरानी होती है, पर बना के हर रोज कुछ ना कुछ बनाया जाता है खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से। तो यहाँ पे सर्दियों में तो सबका ही मन करता है, बच्चों का कितनी बार भी कोई चीज खा लें, जैसे कि आप छोले भटूरे बनाते हैं या आप राजमा बनाते हैं, आता सबको है दोस्तों, पर बनाने का थोड़ा थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो बस चलिए मैं थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ, पहले मैंने प्याज नहीं करने का सोचा था, पर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है कि बिना प्याज लहसुन के कैसे बना रहे हैं, तो बस यहाँ पे हल्का सा ही सौते करना है जैसे मैंने आपको दिखाया है।
और इधर हमारे आलू भी क्रंची हो चुके हैं। मंजू कपूर जी तो टेस्टी लिख रही हैं। तो चलिए अब मैं सामान डालना शुरू करूंगी। इसमें सॉसे डालूंगी, थोड़ा सा बस सॉसे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हरा प्याज भी डाल रही हूँ। इस तरह से हरा प्याज हो तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो नहीं डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे खाना चाहते हैं। बस दो, इसे हमें बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा सौते करना है। संजय जी जुड़े हैं, राधे राधे। और यहाँ मैं आलू भी दिखाती जा रही हूँ आपको, फिर भी बहुत कम लोग जुड़े हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सबको सामने दिखता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप देख सकते हैं ये बस इस तरह से बस क्रिस्पी हो जाते हैं, और बीच बीच में इसको भी मैं चला के दिखा रही हूँ। कई बार नहीं दिखाती हूँ दोस्तों, तो सबका कमेंट रहता है आपने साइड वाला तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं, तो आज मैं दिखाती भी जा रही हूँ। और इधर हमारे संग गीता जी भी जुड़ चुकी हैं, सुपर लिख रही हैं। थैंक यू। चलिए अब यहाँ पे बस मैं सब्जी को इतना ही क्रंची करूंगी जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं गैस को एक बार को बंद कर रही हूँ और फिर चलाऊंगी। सॉसे डालने के बाद मैं गैस को चलाऊंगी, तो ध्यान से। तो यहाँ पे पहले मैं ग्रीन सॉस डाल रही हूँ, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इसकी रेसिपी हमने पहले डाली हुई थी अपने चैनल पे, तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी भी थोड़ी सी आप देख रहे होंगे खत्म होने वाली है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। और ये क्योंकि तीखी वाली है, अगर आपके पास मोटी मिर्च की बना के घर में रख सकते हैं, तो यहाँ मैंने ग्रीन वाली डाल दी है। अब यहाँ पे हम रेड वाली डालेंगे। रेड वाली आपने सबने देखा मैंने घर पे ही बनाई थी, तो ये घर की बनी हुई है। इसके मैंने वीडियो अभी डाला था, 3 से 4 दिन पहले डाला था। घर की बनी रेड चिली सॉस है, मैं दिखा देती हूँ। रेड चिली सॉस आप सबको पता होगा, तो ये इस तरह की होती है, जैसे मैं बोतलें दिखाती जाती हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये वाली मैंने बनाई थी, और आप बाजार की देख सकते हैं कि कैसा कलर आता है। तो दोनों के कलर में अंतर देख सकते हैं, क्योंकि घर की बनी हुई कितना बढ़िया कलर है, इसलिए मैं घर की डालती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और सॉस में आप सबको पता है नमक होता है। तो अब बस मैं गैस को स्टार्ट कर रही हूँ। अब थोड़े से हम इसमें मसाले मिलाएंगे, वो आपकी इच्छा है। तब तक ये आलू हो गए मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो मैं आपको सामने इधर कर रही हूँ कैमरे को, और आप देख सकते हैं ये आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। बस मैं इनको निकाल के, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं देख रहे होंगे इस तरह से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप घर में बना रहे हैं तो एक तरफ आलू रखिए, एक तरफ सॉस तैयार कीजिए, तो फटाफट से ये तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, वो आपकी इच्छा है बस प्याज बिना लहसुन के कैसे खाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ही बन के तैयार हो चुके हैं आलू। चलिए तो अब मैं आपको इस तरफ ले आती हूँ। बीच बीच में आप देख रहे होंगे मेरे को कैमरे को भी चेंज करना पड़ता है बार बार। थोड़ा सा मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, क्योंकि सॉस में नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा, कभी तेज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि काली मिर्च से भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये कलर के लिए है, क्योंकि बाजार वाले कलर डालते हैं, यहाँ हम कलर का यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए। चलिए ये सब चीज मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया था इस तरह से, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डालूंगी, और यहाँ पे ठंडे पानी का यूज करना है, बिल्कुल भी गर्म पानी का यूज नहीं करना है दोस्तों। और इसको घोल लेंगे, और घोलने के बाद इसको डाल देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमें। तो यहाँ मैंने टमाटर केचप नहीं डाला था, अभी टमाटर केचप भी डालना है। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच आपके बच्चों को जितना पसंद हो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच डाल दे रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी चीज बच्चों को कम ज्यादा पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो अब यहाँ पे जो हमने ये तैयार करा था, जब भी घोल
डालें तो एक बार चला लीजिएगा क्योंकि ये जम जाता है। इसको डालने के बाद इसको हम डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है, अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो इसको पकाना पड़ता है। सिर्फ मैं आप देख रहे होंगे मैं सूखी वाला बना रही हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस अब मैंने थोड़े से, तो यहाँ पे हमारे संग मंजू जी अग्रवाल जी भी जुड़ी हैं और मंजू जी ने भी हमें लिखा है, रेखा जी ने, अंजलि जी क्या लिखा है रेखा जी ने समझ नहीं आया मुझे। अच्छा हाँ जी देखिए ठीक है, उन्होंने ये लिखा है, मेरे को समझ नहीं आया था, मैं तो वही जवाब दे रही थी। बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ मैंने सारी चीजों को मिला दिया। इसमें बहुत कुछ नहीं मिलाया जाता है, बस इसी तरह से मिलाया जाता है जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो आप अपने कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ पे हमने तो ये आलू आपके सामने पोटैटो रखे, इन्हें डाल देंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ आपको, उस हिसाब से ही डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। तो आज मैं बाजार, तो बस आप देख रहे होंगे, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा दोबारा से, अब मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया दोस्तों, जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है। आलू डालते ही ध्यान रखिएगा, उसके बाद बिल्कुल गैस को नहीं चलाया जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा से हरा प्याज डाल रही हूँ, वो आपकी इच्छा है, अगर आप खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं डाली हूँ, मेरे पास भी नहीं है, आप देख रहे होंगे। और मैं इसको अब सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अगर हम बाजार वाले की तरह ये यहाँ पे येलो वो ऑरेंज कलर डालते हैं तो उनका ऑरेंज ऑरेंज बनता है, बस यही फर्क होता है दोस्तों। तो यहाँ हमने सिंपल सा बनाया है, आप देख रहे होंगे, बस बिना कलर का, जो हेल्दी होता है खाने में। और तो चलिए मैं इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ फटाफट से आपको। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, प्लेट रख लेती हूँ, आज मैं बाजार जैसे ही आपको डाल के दिखाऊंगी डोने में कैसे वो सर्व करते हैं। तो यहाँ मैंने दो डोने ले लिए हैं आपके सामने इस तरह से, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो डोने लिए हैं, तो आज मैं डोने में सर्व करूंगी। तो मुझे आप अपना कमेंट करके तैयार कर सकते, बता सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यकीन करिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो और इस तरह से चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। और ग्रेवी अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा बनाना है तो उस हिसाब से आपको सामान को ज्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ मैंने थोड़े सा तीन आलू का ही करके दिखाया है, तो तीन आलू में आप देख सकते हैं छोटी सी फैमिली के लिए पूरा हो जाता है दोस्तों। कई बार हमें अंदाज नहीं होता है और चीज ज्यादा बन जाती है तो सामान भी वेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक शिमला मिर्ची काटी थी आप, और एक प्याज डाला है, बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से, और चाहें तो ऊपर से आप बस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस तरह से तैयार हुआ है, क्योंकि पता नहीं लगता है कि कई बार, और इसको मैं डाल देती हूँ, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, पास करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है हमारा चिल्ली पोटैटो। अभी तक मैं आप लोगों से पूछी थी, आपने मुझे नहीं बताया, तो मैं बता रही हूँ आज हमने चिल्ली पोटैटो बनाया था। हमारे संग अच्छा रंजन जी भी जुड़े थे, उनका नाम रह गया था। अब मैं सबके कमेंट पढ़ लेती हूँ और सबको बहुत बहुत, रंजन जी का मैंने नाम पढ़ चुकी हूँ और किसी का नाम रह गया तो मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार हमें कमेंट में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ हमारे संग प्रशांत जी जुड़े थे, अनीता जी भुवनेश्वर से जुड़ी थी, मीनू जी जुड़ी थी, और हमारे संग फमी स्नेक जो कश्मीर से जुड़े थे। तो बहुत बहुत थैंक यू कश्मीर से भी जुड़ने का, पाकिस्तान से भी बहुत से आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं। तो यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए इन्होंने कहा डिलीशियस लग रहा है रंजन जी ने, थैंक यू
तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, फिर हम शाम को एक नई वीडियो के संग मिलेंगे। सबको बाय बाय।